सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पैंट की नाप लेके और सादा पैंट की कटिंग करना बताऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखना किस तरीके से कटिंग करते हैं और किस तरीके से नाप लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो है वो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों आप यदि लास्ट तक ध्यान से देख लेंगे तो आपको पैंट की नाप लेके और आसानी से फ्लैट वाली पैंट कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको सिलाई संबंधी जानकारी देता रहता हूँ, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों करते हैं पैंट कटिंग करने और नाप लेके और उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों करते हैं बिना किसी देरी से स्टार्ट। पहले हम पैंट की नाप ले लेते हैं और उसके बाद में हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी कस्टमर की पैंट है, इस पैंट की नाप से हम कटिंग करेंगे। और ये पैंट हैं, ये प्लेट वाली पैंट हैं, आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर ये दो प्लेट डालते हैं, और जो बिना प्लेट की पैंट होती है वो फिटिंग पैंट होती है। तो ये फिटिंग है, ये सादा पैंट है। तो देखना किस तरीके से कटिंग करते हैं और किस तरीके से नाप लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें लंबाई लेनी होती है, तो हम इस तरीके से इस पैंट को रख लेंगे, और हमारे पास जो इंची टेप होता है उससे हम यहाँ से जो हमारा बेल्ट जुड़ा हुआ होता है ऊपर से, और यहाँ से इसकी लंबाई देख लेंगे। तो इसकी लंबाई आ रही है, वो आ रही है 36 इंची। इस तरीके से टोटल लंबाई ले लेंगे 36 इंची, और उसके बाद में इसकी लेंगे कमर। तो कमर की नाप हम लेंगे, जो हमारा ये हुक लगा हुआ है, जो हमारी यहाँ से चेन लगी हुई है उसके पास से इस तरीके से नापेंगे इसको। जो हमारा ये बेल्ट है इसको नापेंगे, और कहाँ तक नापेंगे, जो हमारा ये हुक आया हुआ है, जो हमारी चेन के सामने ये हुक है उसके सामने से ये नापेंगे इस तरीके से। तो इसकी कमर है वो 33 इंची आ रही है, तो हम लिख लेते हैं लंबाई तो इसकी थी वो 36 इंची थी, और कमर है वो 33 इंची है। अब उसके बाद में हम लेंगे इसका हिप का। तो हिप के लिए क्या करना होगा, इस चेन को इस तरीके से जुड़ लेना होगा, और यहाँ से इसको इस तरीके से फैला लेना होगा इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको नापेंगे इस तरीके से। तो ये 21 इंची आ रहा है। तो दोस्तों, ये प्लेट वाली पैंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये सिलाई आ रही है और ये सिलाई आ रही है, यहाँ से इसको नापेंगे इस तरीके से नापेंगे। तो ये 20 इंची आ रहा है, 20 इंची आ रहा है, तो 20 का डबल करेंगे तो 40 इंची इसकी हिप रख लेंगे। ठीक, इसका जो आसन रख लेंगे वो 40 इंची रख लेंगे। इसमें अंतर आ रहा है, कमर इसकी 33 है और हिप है वो 40 इंची है, इसमें 7 इंची का अंतर आ रहा है। और इसकी जांग है वो इस तरीके से रखेंगे इसको, और यहाँ से नापेंगे तो इसकी जांग आ रही है 12.5। 12.5 का मतलब होता है यहाँ पर डबल करेंगे तो 25 इंची इसकी जांग हो जाएगी। उसके बाद में आप चाहे तो इसके घुटने का भी ले सकते हो, घुटने का हम यहाँ से ले लेंगे, ये 10 इंची आ रहा है। और देखो, घुटने के लिए क्या करना होगा कि ये हमारी लंबाई आ रही है, यहाँ से ये 36 इंची लंबाई आ रही है, तो इसका आधा कर लेंगे यहाँ से, ये हम आधा कर लेंगे, और लगभग 1.5 इंची नीचे
डेढ़ इंच नीचे ये ले लेंगे यहाँ से, तो ये 10 इंची आ रहा है, यानी कि इसका जो घुटना होगा वो 20 इंची होगा। और अब ले लेते हैं मोरी, तो मोरी के लिए इस तरीके से रखेंगे, तो ये 8 इंची आ रहा है, तो इसकी मोरी हो जाएगी 16 इंची। अब बात करते हैं इसकी लटक की, तो लटक हम दो प्रकार से रख सकते हैं। एक तो हम गीदरी का नाप लेके भी ले सकते हैं, यहाँ से जो हमारी सिलाई लगी हुई है यहाँ से आसन की, यहाँ से और लंबाई में ले लेंगे, तो ये 26 इंची आ रहा है यहाँ से, इस तरीके से देखेंगे तो 26 इंची आ रहा है, तो 26 इंची हम यहाँ से इसकी रख लेंगे, ये गीदरी की नाप ले लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से जो हमारा बेल्ट जुड़ा हुआ हुआ है, यहाँ से हम नापेंगे इसको, गोलाई में नाप लेंगे, इसको यू बोलते हैं, तो इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे और पीछे तक हम इसकी नाप ले लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से नाप ले लेंगे, तो यहाँ से इस तरीके से नापेंगे, तो ये 24 इंची आ रहा है इस तरीके से, तो 24 इंची भी आप लिख सकते हो। दो तरीके आपको बताऊंगा किस तरीके से कटिंग करना है। तो दोस्तों, ये हमने पैंट की नाप ले ली है, आप भी इस प्रकार से नाप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कटिंग करते हैं, कैसे कटिंग करेंगे। दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है, तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे देखना, नाप आपने देख ही ली किस तरीके से नाप लेनी है, और अब कटिंग करना बताएंगे आपको कैसे कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हमें कपड़े को उल्टा बिछा लेना है, तो हम इसको उल्टा बिछा लेते हैं। ये हमने अच्छे से इसको बिछा लिया है। हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक एल स्केल की और एक सेफ अंटी की। इस नाप से हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कटिंग करना, कैसे करते हैं और कैसे मार्किंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, और एक निशान यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरीके से। अब पैंट की लंबाई है वो 36 इंची है, तो इसमें हम बेल्ट लगाएंगे वो डेढ़ इंची का लगाएंगे, तो आपको यहाँ से पौन इंची ऊपर निकाल लेना होगा इस तरीके से। और हमारी लंबाई है वो 36 इंची है, वो 36 पर निशान लगा लेंगे, नीचे हम तुरपाई करेंगे तो 3 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसी तरीके से पौन इंची ऊपर निकाल के, और 36 हमारी लंबाई है, 3 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे, नीचे फोल्ड करते हैं तुरपाई के लिए। उसके बाद में यहाँ से तो इसको सीधा कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी लटक की। तो दोस्तों, हमने यू में नाप ली थी वो 24 थी, और गीदरी की नाप ली थी वो 26 इंची थी। तो दोनों तरीके आपको मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर हम 26 इंची रखेंगे इस तरीके से, ये 26 इंची, लेकिन इसमें हमें आधा इंची दबाव एक्स्ट्रा रखना होगा नीचे की साइड में, यानी कि हम यहां से 25.5 इंची पर ले लेंगे, ठीक, यहां से इसको सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है, और यू में नाप ली थी वो हमने ली थी 24 इंची, तो क्या करना होगा, 24 का आधा करना होगा, तो 24 का आधा करेंगे तो 12 इंची आएगा, और 12 में हम डेढ़ और डेढ़ 3 इंची बेल्ट का निकाल देंगे,
देखो 3 इंच निकाल देते हैं, तो ये आ रहा है यहां से 13.5 इंच आ रहा है, यानी कि इसकी जो लटक है वो यू, यानी कि यू में हमने नापी थी, तो 3 इंच ऊपर निकाल के और 24 का आधा करेंगे तो 12 इंची, तो 12 इंची यहां पर आएगा इसका, तो ये इसकी लटक निकलेगी 9 इंची, कितने निकलेगी 9, और वैसे हमने जो उसकी नाप ली थी गिदरी की नाप ली थी वो आ रही थी हमारी, ये आ रही है 9.5 इंची और ये आ रही है 9 इंची। तो दोस्तों ये हमारा आधा इंची का अंतर है, वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो हम इसकी जो आसन रख लेते हैं वो 9.5 इंची इसका आसन रख लेते हैं। अब हमने जो जांघ की नाप ली थी वो 25 इंची थी, तो 25 का यहां पर हम आधा कर लेंगे यानी कि 12.5 इंची, तो 12.5 इंची का हम यहां पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद में हम यहां से इसको आधा कर लेंगे। ये हमारा बीच का सेंटर है और यहां पर हम 1.5 इंची का निशान लगा देंगे और यहां पर भी हम 1.5 इंची का निशान लगा देंगे। उसके बाद में यहां से तो हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से और यहां से दे देंगे गोलाई इस तरीके से, ये हमने गोलाई दे दी है। कमर है इसकी 33 इंची है, आधा इंची यहां पर जाएगा हमारा 2 सूत और 33 का 1/4 करेंगे तो 8.25 इंची, 2 इंची की हम प्लेट ले लेंगे और आधा इंची हमें सिलाई मार्जिन लेना है। उसके बाद में यहां से इसको मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक। और इसको हम डाउन करेंगे, देखो आपको मैं दिखा देता हूं कि इस पैंट के अंदर से जो ये आगे की साइड में ये रिंकल पड़ रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि इस पैंट में आगे के साइड में डाउन कम किया हुआ है, इस कारण से यहाँ पर पेट है, तो पेट की वजह से ये यहाँ पर ये बेल्ट है ये मुड़ जाता है आगे की साइड में। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि यहां से हमें लगभग 0.25 इंची डाउन करना होगा इसको और उसके बाद में यहां से हम इस प्रकार से मिला लेंगे इसको, इस तरीके से मिलाएंगे ना, तो जो हमारे पेट के सामने जो बेल्ट पैंट में रिंकल आते हैं जो आपको मैं दिखाया था वो इस तरीके से नहीं आएगा, वो यहां से इसके बेल्ट को ऐसे सिकोड़ लेता है पेट, तो हमको यहां से 0.25 इंची डाउन करना है इसको, ठीक। अब यहां से इसका सेंटर देखेंगे तो ये हमने 12.5 इंची लिया था और ये सेंटर हमारा ये आ गया है, तो ये आ रहा है यहां से 6 इंची आ रहा है, तो यहां से हम 6 इंची का और 6 इंची का यहां पर ले लेंगे। अब बात करते हैं हमारे घुटने की, तो इस प्रकार से हम इंची टेप को रखेंगे, इसका आधा कर लेंगे, ये हमने आधा कर लिया और उसके बाद में हम 1.5 इंची नीचे ये निशान ले लेंगे घुटने का और यहां से इसको सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, इस तरीके से सीधा कर लेंगे और हम यहां पर ये निशान लगा लेंगे बी सेंटर का इस तरीके से और इसको यहां से सीधा कर लेंगे। अब इसमें हम 2 प्लेट लगाएंगे, तो हम इसमें 2 इंची का यहां पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है जो प्लेट डालते हैं उसके लिए,
यहाँ से हम 1.25 इंची ले लेंगे, एक प्लेट तो हम 1.25 इंची की ले लेंगे। उसके बाद में हम 1.25 इंची छोड़ देंगे और ये लगभग 0.25 इंची की ये ले लेंगे। ये 2 इंची है, ये दोनों प्लेटों में एडजस्ट करना होगा। तो इस प्रकार से ये हमारी ये दो प्लेट हैं वो डालेंगे इसमें, इस तरीके से ये हमारी दो प्लेट आ जाएगी इसमें। अब बात करते हैं इसकी घुटने की, तो घुटना इसका 20 इंची था तो 20 का आधा करेंगे 10 और 10 का भी आधा करेंगे तो 5, तो 5 इंची यहाँ लगा लेंगे और 5 इंची यहाँ लगा लेंगे। वैसे घुटने की नाप लिए हमने तो हम लगा रहे हैं, वैसे घुटने की नाप लगाने की जरूरत नहीं होती है सादा पैंट में। और इसकी मोरी हमने 16 इंची ली थी, 16 का आधा करेंगे तो 8 और 8 का आधा रखेंगे यहाँ पर 4, 20 सेंटर में से और 4 यहाँ लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद में हम सैफ अंटी लेंगे और यहाँ से हम ये मार्के मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे तीनों मार्के हैं वो मिलनी चाहिए, तो हम यहाँ से इसको मिला लेंगे इस तरीके से। ये हमारे तीनों मार्के हैं वो मिल जाते हैं इस प्रकार से, यहाँ से कर देते हैं क्रॉस इस तरीके से और यहाँ से भी हम ये तीनों मार के मिला लेते हैं इस तरीके से और यहाँ से कर देते हैं क्रॉस। तो दोस्तों ये हमारी फ्रंट पार्क की मार्किंग है वो पूरी हो जाती है। इसको हम कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद में हम आपको बैक कटिंग करना भी बताएंगे कि बैक की कटिंग कैसे करते हैं। ये हमारे दोनों पल्ले हैं जो हमने नाप लिया था वो बराबर में लिया था। आप इस तरीके से रख के भी यहाँ से इसका मिलान कर सकते हैं, जो हमने जो लिया है वो सही है कि नहीं है। तो हमारा इस तरीके से भी ये नीचे से भी देख लेंगे, नीचे की साइड में भी हमारा यहाँ से ये बराबर में आना चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पर हम लगा लेंगे नोच इस तरीके से, यहाँ पर हमारी ये नीचे से मुड़ जाएगी और यहाँ पर हम बीच का सेंटर का लगा लेंगे। और यहाँ से हमने जो ये 2 इंची की प्लेट ली है इसके भी हम ये चटके लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने 1.25 इंची की ली है और ये 0.5 इंची की ली है। आप दोनों 1-1 इंची की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये प्लेट है बड़ी वाली प्लेट है, सामने आती है तो इसको थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है, इसको थोड़ा कम डालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने यहाँ पर 1.25 इंची ली है और यहाँ से हमने 0.5 इंची की है, क्योंकि हमने 2 इंची का यहाँ से एक्स्ट्रा प्लेट के लिए लिया था। ठीक है, अब इसमें हम साइड की जेब लगाएंगे तो 1.5 इंची नीचे ले लेंगे और इसकी लंबाई का खुला मुंह ले लेंगे 6 इंची और यहाँ से भी इसको इस तरीके से नोच लगा लेते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आइए दोस्तों, अब हम इसकी बैक कटिंग कर लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरीके से रख लेंगे, यहाँ पर लगभग 2.5 इंची कपड़ा रखेंगे, अच्छे से बिछा लेंगे इसको इस तरीके से। और
यहाँ से इसकी बैक उठा देंगे, वो पौनी 2 इंच इसकी बैक उठा देंगे और यहाँ से हम इस प्रकार से इसको शेप लगा देंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड में इस तरीके से करेंगे इसको, और यहाँ से हम ये मार्क ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन छोड़ देते हैं 1/2 इंची, कमर 33 है, चौथा हिस्सा करेंगे 1.25 इंची, 1 इंची प्लेट की डाट के लिए और 2 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे। और यहाँ से इसकी हिप ली थी जो हमने 40 इंची ली थी, चौथा हिस्सा करेंगे 10 इंची, 10 इंची और 1/2 इंची हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये हमारा 10 इंची यहाँ पर आ रहा है, तो 1/2 इंची यहाँ ले लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक। यानी कि टोटल यहाँ से 10.5 इंची ये ले लेंगे। यहां से इसको सीधा कर लेते हैं, यहां से भी और यहां से भी, यहां लगा लेंगे हम 1.5 इंची का निशान, यहां पर लगा लेंगे हम 1.25 इंची का निशान और यहां पर लगा लेंगे हम 2.5 इंची का निशान। दोस्तों यहां पर आप 1.5 इंची का निशान भी लगा सकते हैं, उसके बाद में इन मार्कों को हम मिला लेते हैं। इसको हम यहां से इस तरीके से मिला लेते हैं और फिर इसको यहां से इस तरीके से मिला लेते हैं, हल्का सा यहां से कर देते हैं क्रॉस इस तरीके से, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये निशान हम यहां से मिला लेते हैं इस तरीके से, यहां से इतना। उसके बाद में हम ये फ्रेंच कॉर्न लेंगे और यहां से एक 1/2 इंची का नीचे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और ये हम इसमें मिला लेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर मिला लेंगे, यहाँ पर दे देंगे गोड़ाई इस तरीके से। और जो हमारी 1/2 इंच ऊपर जो निशान है वो हम इसमें मिला लेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से मिला लेंगे। तो ये हमारे दोनों गोड़ाई हैं वो इस प्रकार से आके यहाँ पर हमारी ये मिलेगी, ठीक है। अब हम इसकी जो लटक ली थी वो भी नाप के देख लेते हैं। यहां से हमारी 1/2 इंची सिलाई जाएगी और 1/2 इंची यहां पर जाएगी, तो हम गोलाई में नाप लेते हैं इस प्रकार से। तो ये 9 इंची आ रहा है, और यहां से हमारी 1/2 इंची सिलाई जाएगी, तो हम 9 को यहां से, यहाँ से 9 इंची छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ से हम ये गोलाई में नापेंगे, तो ये 23 इंची आ रहा है, तो इसमें 1/2 इंची हमारी ये सिलाई जाएगी, तो ये 22.5 इंची आ रहा है। तो 22.5 में हम यहाँ पर जो बेल्ट जुड़ेगा 1.5 इंची का, तो यहाँ तक हमारा ये बेल्ट आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा जो ये 22.5 हैं और ये हमारा जो बेल्ट आएगा वो 24 टोटल यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरीके से भी नाप के देख लेना कि हमारा जो आसन लिया था वो सही लिया है कि नहीं है। यदि कम बैठ रहा है तो आपको यहाँ से 1/2 इंची और बढ़ा लेना यहाँ से। और यदि दूसरा तरीका हो रहा है कि आप बैग को भी थोड़ा उठा सकते हैं, और यदि ज्यादा बैठता है तो आप इसको यहाँ से डाउन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
आप देख लेना आपका कितना बैठता है, कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है तरीका किस तरीके से आपको नाप लेके इसकी कटिंग करनी है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी।